हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा निटिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आज का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे गर्ल्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। इस डिज़ाइन को हम 8 के मल्टीपल में बनाते हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं। चलिए तो यह डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं आपको 19 फंदों में डाल के दिखा रही हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी उठ निकालेंगे। पूरी रो हम इसको सीधा सीधा ही बुनेंगे। इसको यह डिज़ाइन की पहली रो, पूरी रो सीधी सीधी ही बुनी जाएगी। फ्रेंड्स, यह है डिज़ाइन की सेकंड रो। ये भी हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना धागा पीछे करेंगे और ये रो भी हम बैक साइड से भी सीधी ही बुनेंगे। इधर से भी इसको सीधा ही बुनना है। यह है डिज़ाइन की थर्ड रो। धागा पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर सीधे में ही हम इस पे तीन तीन लपेट लगा करके एक फंदा बनाएंगे। ऐसे बुनेंगे हम सीधे में, 1 2 3, तीन लपेट लगा के 2 3, 1 2 3, ऐसे लपेट लगा के हम 7 फंदे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे के बुनने के बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे सिंपल। फिर से हम 7 फंदों पर लपेट, तीन तीन लपेट लगा के 1 2 3, 1 2 3, हर फंदे पे तीन तीन लपेट लगाएंगे 7 फंदे पे। और लास्ट ये फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट का फंदा भी स्टिच सीधा बुन लेंगे हम। यह है डिज़ाइन की फोर्थ रो, उल्टी रो है ये। पहला फंदा बिना बुना, ये जो हमने सीधा बुना था इसको हम उल्टा बुनेंगे इधर से और इनको हम खोलेंगे ऐसे। 7 फंदों को खोल करके ऐसे निकालेंगे एक सिलाई में ऐसे, सिलाई में लेंगे इसमें। इस धागे को हम पहले ऐसे ले जाएंगे बैक साइड, फिर इसको इस सिलाई में डालेंगे 7 फंदों को। उधर से फिर आगे लाएंगे फंदा, फिर इस सिलाई में डाल के फिर से पीछे ले जाएंगे हम। फिर से इस सिलाई में वापस डालना है और आगे लाना है घुमा करके ये ऐसे। फिर इस सिलाई में वापस लेके थोड़ा धागा टाइट करके ये वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और फिर से इन 7 फंदों को खोलेंगे। सातों फंदे खोलने के बाद ये इस सिलाई में डालेंगे, सॉरी इसी सिलाई में रहने देंगे पहले।
ये धागा बैक ले जाएंगे ऐसे ऊपर से निकाल के इसके, फिर इन फंदों को इस सिलाई में डालेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे इस सिलाई में डालेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे धागा, फिर इस सिलाई में डालेंगे और फिर से धागा आगे ला के इस सिलाई में डाल करके ये फंदा बुनेंगे एक उल्टा, लास्ट का स्टिच भी उल्टा बुन देंगे। ये है, ये रो पूरी सीधी सीधी बनी जाएगी, लेकिन ये सब फंदे अलग अलग सीधे ही बुने जाएंगे। फिर सीधा सीधा ही बुनेंगे सब फंदों को एक एक करके, सबको सीधे बुन लेना है ऐसे। ये सब फंदे इस रो में सीधे ही बन जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ये वैसे ही बनानी है, पूरी सीधी सीधी। और ये है, इस रो को भी हम सिक्स रो है ये डिजाइन की, इसको भी हम इधर साइड से सीधा सीधा ही बुनेंगे, बैक साइड से इसको हम पूरी रो को सीधा सीधा ही बुनेंगे। इसको पूरा सीधा सीधा ऐसे बुन करके ये सीधा बुन करके अब हम ये सेवेंथ रो डिज़ाइन की इस रो को भी पूरा सीधा सीधा ही बुनेंगे। यह डिज़ाइन की एट्थ रो, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये है डिज़ाइन, इतना सा डिज़ाइन है ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा लगता है बन करके, बहुत सुंदर लगता है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा, पहले हम एक सीधी रो और बनाएंगे, फिर उधर से भी हम बैक साइड से भी उसको सीधा बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, फिर ये पैटर्न शुरू हो जाएगा। बस यहाँ से ये रिपीट पैटर्न शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना बन करके, ये डिज़ाइन वैसा आता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।